नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सच्चाई की खोज पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिसे कि पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि वो अपने अलग लुक के लिए ही जानी जाती है। वो अपने किसी बात या किसी अपने नए लुक के लिए हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उर्फी जावेद की। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1996 मंगलवार को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी भारत की नागरिकता है, ये लखनऊ की रहने वाली है। इनकी उम्र है 25 साल। इन्होंने सबसे पहले अपने जीवन की शुरुआत टीवी सीरियल से किया। जी हाँ, 2016 में बड़े भैया की दुल्हनिया में इन्हें फेमस किया और इन्हें एक नई पहचान दिलाई। इसके बाद ए मेरे हमसफर, चंद्र नंदनी, मेरी दुर्गा, सात फेरों की हेरा फेरी, बेपनाह, डायन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसे ही काफी बड़े टीवी शोज में इन्होंने काम किया है। लेकिन आजकल उर्फी जावेद अपने अजीबो गरीब फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। उर्फी अक्सर कुछ ऐसा पहनकर लोगों के बीच आती हैं जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। खास बात यह है कि अभिनेत्री अपने ट्रेडिशनल आउटफिट में भी बोल्डनेस का तड़का लगाने में पीछे नहीं रहती। कभी कभी इसी फैशन सेंस की वजह से उर्फी को बहुत कुछ झेलना पड़ा। काफी बार उनकी ड्रेस को लेकर काफी लोगों ने शिकायत भी की थी। हाँ, दरअसल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली उर्फी जावेद अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर करती रहती हैं। इन्हीं वीडियो के चलते उन्हें काफी बार लोगों ने जमकर ट्रोल किया है। जैसे कि चेतन भगत ने एक बार अपने इंटरव्यू के दौरान उन्हें ट्रोल किया था। उन्होंने बताया था कि उर्फी जावेद जैसे लोगों की वजह से आज की पीढ़ी बहुत बिगड़ रही है, उसे हर कोई जानता है। आज की युवा पीढ़ी उनके ज्यादा से ज्यादा रीले देखती है, अपना टाइम वेस्ट करती है। क्या पेपर में उनको यही बताया जाएगा कि उर्फी ने कितने प्रकार की ड्रेसेस पहनी हैं, कितने प्रकार के कपड़े यूज किए हैं। इसके दौरान उर्फी ने भी अपने एक वीडियो में ये बताया था, ये कहते हुए भगत सिंह को ट्रोल किया था कि आप मेरे अंकल मेरे पापा की उम्र के हो, आप अपनी आधी उम्र की लड़कियों से क्यों चैटिंग करते हैं, और मेरे कपड़े पहनने से लड़के बिगड़ते हैं क्या, मेरी वीडियो छुप छुप कर देखते हैं क्या लड़के। यही नहीं, हिंदुस्तानी भाव ने भी उनके ऊपर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जो ये उल्टी सीधी कपड़े पहनते हैं ना, आपकी वजह से हिंदुस्तान की बहू और बेटियों को गलत मैसेज जा रहा है, सुधर जाओ वरना हम सुधार देंगे। तो उर्फी ने भी अपने एक वीडियो में ये इंटरव्यू में कहा था कि ये मेरी बॉडी है, मैं कुछ भी पहनूं किसी को क्या फर्क पड़ता है। फिर उन्होंने लड़कियों से भी पूछा कि आप काम पे जाती हो, आपको भी परिवार वाले काफी लोग ऐसे होंगे कि आपसे कहते होंगे आप कहां क्यों जाती हो, क्यों काम करती हो, ये वो, लेकिन आप ध्यान नहीं देते ना, ऐसे ही मैं कहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो मुझे करना है वो मैं करूंगी और करती रहूंगी। वैसे उर्फी अपने नए फैशन सेंस के लिए आए दिन चर्चा में रहती हैं। वैसे क्या लगता है आपको, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हम अपनी नई वीडियो आप तक पहुंचा सकें।